जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोन लेते हैं, किसी प्रकार का लोन ले रहे हैं, तो आपका इनकम टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। आपके यहां इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा आया है नोटिस और उन्हें जवाब देना आज पड़ रहा है, जबकि उसका इनकम कोई खास ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास नोटिस आ रहा है। अब क्यों आ रहा है वो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप कभी भी लोन लेने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, किसी प्रकार का आप लोन लेने वाले हैं या फिर ले चुके हो तो छोड़िए, लेकिन लेने वाले हैं या फिर भविष्य में प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मैं बहुत ही कम समय में सारी जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई भी सवाल प्रश्न रह जाए कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपके टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊंगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोन लिया जाता है, किसी प्रकार का आप लोन लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कई प्रकार का डॉक्यूमेंट्स लगता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ही कंपल्सरी है, वो हर लोन में लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड सभी लोन में लगता है, पैन कार्ड सभी लोन में लगता है, 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट सभी लोन में लगता है। इसके अलावा अगर बिजनेस लोन है तो उसमें आपको GST का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लगता है। इसके अलावा MSME का सर्टिफिकेट लगता है। इसके अलावा आपको बता दो कि आप अगर हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉपर्टी का पेपर लगता है, पर्सनल लोन ले रहे हैं तो सैलरी स्लिप लगता है। अब आपको बता दो, लेकिन सभी में प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन एक प्रोसेस वो है जो सभी में लगता है, वो कंपल्सरी है। जैसे मैंने बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। तो आधार पैन तो छोड़िए, सबके पास रहता है, बैंक स्टेटमेंट है, यही पे मामला ज्यादातर फंसता है। यहां पर क्या होता है, बैंक कहता है कि आप अपने बैंक में ट्रांजेक्शन दिखाइए, 6 महीना में ट्रांजेक्शन आपका अच्छा है तभी आपको लोन मिलेगा। अब लोग करते क्या है, जिसका कम इनकम है, कम ट्रांजेक्शन है, या फिर जो कैश में इनकम करते हैं किसी प्रकार से, बिजनेस से हो, सैलरी से हो, तो वो अकाउंट में ट्रांजेक्शन दिखाने के लिए दूसरे के पैसा लेन देन करना स्टार्ट कर देते हैं। सोचते हैं लोन लेना है तो वो दूसरे का पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको अगर 5 लाख भी लोन लेना है, 8 लाख भी लोन लेना है, 2 लाख भी लोन लेना है, तो वो करते क्या है, 6 महीना में 25 लाख 30 लाख का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, दूसरे के पैसा डालकर, दूसरे से पैसा मंगा के, दोस्तों से पैसा मंगा के, रिश्तेदारों से पैसा मंगा के, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये बहुत बड़ा उनके लिए घातक सिद्ध होने वाला है। अब आते हैं बिजनेसमैन की बात बता रहा हूं, अगर बिजनेस लोन ले रहा है तो वो भी करोड़ों करोड़ों का ट्रांजेक्शन दिखा देते हैं 6 महीना में। अब मामला कहां फंसता है, ये तो दिखा दिए, आपका लोन भी सेक्शन हो गया, आपका लोन भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत कब आती है, जब बाद में ITR आप फाइल करते हैं किसी प्रकार से। ITR फाइल करना ही है, क्योंकि इतना लेन देन कर रहा है, ITR फाइल करना ही है, आपने लोन लिया है, इनकम कर रहे हैं, तो ITR जब फाइल करते हैं, या फिर कोई कोई लोन में ITR भी आपसे मांगा जाता है 2 साल का, तो आप देते ही है, किसी किसी लोन में नहीं भी ITR मांगा जाता है। लेकिन अगला जब ITR फाइल करेंगे तो उसमें जो पैसा आप इनकम दिखाएंगे कि मेरा तो सालाना इनकम सैलरी से हो, बिजनेस से हो, किसी प्रकार से हो, कितना साल का, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख, लेकिन ट्रांजेक्शन या 6 महीना में 25 लाख या 30 लाख आपको दिख रहा है, तो क्या करेगा बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका रिपोर्ट भेज देगा। पहले तो ऐसे भेजता ही है किसी के अकाउंट पे, अगर साल में सेविंग अकाउंट पर अगर 10 लाख से ज्यादा कैश का लेन देन होता है, 20 लाख से ज्यादा ऑनलाइन लेन देन हो जाता है, तो वो रिपोर्ट तो भेजा ही जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन आपको नोटिस इसलिए नहीं आता है कि ITR फाइल करते हैं, दोनों मैच कर जाता है तो नोटिस नहीं आता है किसी प्रकार का। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी रहता है तो नोटिस नहीं आता। लेकिन यहां क्या मामला होगा कि 30-35 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट पर है, आपने 5 लाख लोन लेने के लिए इतना ट्रांजेक्शन करा लिया दूसरों के पैसा से, और ITR फाइल कर रहे हैं 5 लाख सालाना का, 6 लाख सालाना का, 7 लाख सालाना का। अब क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, बैंक जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, लोन तो आपका ठीक हो गया, बाद में पता चलेगा आपको पेनल्टी देना है। पेनल्टी कब देना होता है, जब यह साबित हो जाएगी पैसा आपका। अब मान लीजिए आप कहेंगे पैसा मेरा नहीं, तो आप साबित करिए, कैसे साबित करेंगे, आपको साबित करना है, साबित करना है जवाब में। अगर साबित नहीं कर पाए, किसी प्रकार का कंफ्यूजन रह गया, तो फिर 200% पेनाल्टी के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है आपसे। इस तरह का बहुत सारे लोगों का नोटिस अभी आया, बहुत सारे बिजनेस लोन लिए थे, उनके साथ क्या हुआ, बिजनेस लोन तो ले लिया, बहुत ज्यादा करोड़ों का ट्रांजेक्शन दिखा दिए वो, अब हुआ क्या कि GST जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें भी कम दिखा रहा है, अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स का उसमें भी कम दिखा रहा है, और पता चल रहा है अकाउंट पर ट्रांजेक्शन, करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, करोड़ों का जा रहा है साल में सिर्फ लोन लेने के लिए, तो कहीं कहीं से पैसा लेकर ट्रांजेक्शन कर लिए, अब मैचिंग नहीं हुआ, बाद में स्कूटनी हुआ,
पता चला कि भाई ये फर्जी पाया गया, अब वो जवाब नहीं दे पाए, सबको नोटिस आया और सब लोगों के साथ ऐसा ही हुआ कि सबको पेनाल्टी भरना पड़ा, कई कई लोगों को तो इतना पेनाल्टी भरना पड़ा कि बिजनेस तक बंद हो गया। तो इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि सिर्फ लोन लेने के लिए किसी दूसरे का पैसा ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट पर मत कराइए। हाँ, ट्रांजेक्शन कीजिए, अब आपकी सैलरी अगर 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, अपना पैसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, अपना पैसा ट्रांजेक्शन कीजिए, उसी हिसाब से ट्रांजेक्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता, आपको बता दूं कि आपकी सैलरी 20,000 25,000 30,000 रुपया है तो भी आपको लोन 10 लाख 8 लाख 7 लाख आसानी से मिल सकता है। आपको बता दूं आपकी सैलरी अगर 10-15-20,000 भी है तो भी आपको 2 लाख से 5 लाख रुपया तक लोन मिल सकता है। आप अगर महीना का 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाते हैं तो भी 10-15 लाख रुपया आपको लोन मिल सकता है। फिर दूसरा का ट्रांजेक्शन दिखाने का क्या फायदा, अपने काम के हिसाब से सैलरी के हिसाब से लोन लीजिए। अब रहे बिजनेस की बात, तो बिजनेस में जिस हिसाब का बिजनेस है, जिस हिसाब का ट्रांजेक्शन है, उसी हिसाब से लोन लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। हम क्यों करोड़ों में लोन लेंगे, हम क्यों 50 लाख लोन लेंगे, हम क्यों 10 करोड़ लोन लेंगे, जरूरत के हिसाब से लोन लीजिए, उसी हिसाब से ट्रांजेक्शन दिखाइए, ताकि आपके बिजनेस पर भी फर्क नहीं पड़े। बिजनेस लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहा है, या फिर अपना पर्सनल लोन ले रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। आप ITR जो फाइल कर रहे हैं, आपका जो सैलरी है, आपका बैंक में लेन देन है, वो मैच करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए, थोड़ा बहुत का मतलब है 1 लाख रुपया तक भी ऊपर नीचे होता है तो ये मैनेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर 20 लाख 25 लाख 15 लाख 10 लाख का अगर यहाँ पर गैपिंग दिखेगा कि यहाँ पे अकाउंट पे इतना गैपिंग है, ITR में इतना गैपिंग है, फिर इनकम टैक्स आपको डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बैंक रिपोर्ट करता ही करता है ज्यादा ट्रांजेक्शन वालों का, सबका नहीं करता है। आज नोटिस आया, 2 साल के बाद आया, 4 साल के बाद आया, इस तरह का बहुत सारे, मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मुझे खुद 4 साल बाद नोटिस आया था, एक बार की बात बता रहा हूँ, 4 साल बाद नोटिस आया, 2017 की बात है। 2017 में मैंने ITR फाइल किया था और उस टाइम में क्या हुआ था कि जिस हिसाब से मेरा इनकम था और सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गया था, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन, मुझे उम्मीद नहीं था कि बैंक से भी रिपोर्ट कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा, लगभग मैं बता रहा हूँ 50 से 55 लाख का साल का मेरा ट्रांजेक्शन हो गया हुआ था, जो मेरा खुद का पैसा नहीं था, कुछ काम ही ऐसा था जो मेरा ट्रांजेक्शन का कुछ वर्क मैं कर रहा था, जिसमें बाहर से पैसे आते थे, दूसरों का मैं किसी और को पैसा देता था, तो इस तरह का ट्रांजेक्शन था। और हुआ क्या कि मेरे पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया, मुझे टैक्स पे करना पड़ा, पहले ही वो पेनाल्टी नहीं किया, नोटिस कहे कि भाई इतना इतना आपको पैसा भरना है, इतना इतना का आपका अर्ना है, उन्होंने जवाब मांगा, मैं जवाब के साथ साथ उनका पैसा भी अदा कर दिया, पेनाल्टी मुझे नहीं हुआ। लेकिन आप बार बार इग्नोर करेंगे तो पेनाल्टी भी होता है, 2% तक पेनाल्टी होता है। पहले तो आप इस चीज को सुधार कीजिए कि लोन लेने के लिए ट्रांजेक्शन, फर्जी ट्रांजेक्शन किसी प्रकार का मत कीजिए, ओरिजिनल ट्रांजेक्शन कीजिए, अपना पैसा ही ज्यादा ट्रांजेक्शन कीजिए। अगर ज्यादा कर भी रहा है तो उसका सोर्स रखिए, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, अपने फैमिली के लोगों का पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपने जानने वाला का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपका रखा हुआ पैसा का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दोस्तों का, रिश्तेदारों का, किसी का भी पैसा ट्रांजेक्शन करके बोझ मत बढ़ाइए, अन्यथा आप बुरे तरीके से फंस जाएंगे। दोस्तों ये एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन था, इसलिए आपको बता दिया हूँ कि बहुत सारे लोग लोन लेते हैं तो इस तरह का काम करते हैं और बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।